हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़ॉन पे बैलेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना अमेज़ॉन पे बैलेंस जो है वो सीधे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक रुपये दोस्तों चार्ज नहीं लगेगा और 100% जेन्युइन प्रोसेस है, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल स्टेप है, पूरा वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को जरूर से जरूर इंस्टॉल करिएगा 250 रुपये तक का इंस्टेंटली अर्निंग करने के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन पे बैलेंस से आप या तो रिचार्ज कर सकते हैं या फिर आप शॉपिंग कर सकते हैं। यही दो चीज़ का ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो आपको वहाँ पे सबसे फर्स्ट में तो कुछ भी शॉप करना, जैसे आपको 500 रुपये आपके अमेज़ॉन पे बैलेंस में है तो आपको 500 रुपये का कुछ भी शॉपिंग कर लेना है। शॉपिंग करने के बाद जब वो ऑर्डर आपके घर पे पहुंच जाएगा, जी हाँ दोस्तों, जब वो ऑर्डर आपके घर पे पहुंच जाएगा तो आप शॉपिंग करने से पहले उसमें चेक कर लीजिएगा कि रिप्लेसमेंट का या रिटर्न का ऑप्शन उसमें है कि नहीं। अगर उसमें रिटर्न का ऑप्शन होगा तभी आप उसको बाय कीजिएगा। जब वो घर पे आपके पहुंच जाएगा तो आप उसको रिटर्न कर दीजिएगा, और जब रिटर्न के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तब आपको वहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप किस अकाउंट में अपना रिटर्न का जो वो पैसा है वो लेना चाह रहे हैं। तो आप जो रिटर्न का अकाउंट है वो अपना UPI ID वहाँ पर जाके ऐड कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर UPI ID ऐड कर देते हैं अपने अमेज़ॉन पे में तो पैसा आपके अमेज़ॉन पे के UPI ID में ही आएगा। तो इस तरह आप अमेज़ॉन पे का बैलेंस जो है वो अपने अकाउंट में भेज सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन 100% जेन्युइन प्रोसेस है। यहाँ पैसा आपका कहीं भी अटकेगा नहीं और पैसा आपके अकाउंट में भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद उसको आपको रिटर्न कर देना, और रिटर्न करते वक्त जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको पैसा अपना कहाँ पे चाहिए तब आप वहाँ पे अपना UPI का ऑप्शन रख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार हमारे लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए।